हेलो गाइस, स्वागत आप सबका डीम सर में। बात करने वाले भी अपना आज के लिए जो मैच यहाँ से रहने वाला है पाकिस्तान और कनाडा के बीच में। अब पाकिस्तान आपको पता है पिछले 2 मैचेस हार चुकी है यहाँ से, वो भी बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से। दुनिया क्लोज मार्जिन से हारे हैं, बट हार गए हैं। एक इंडिया से जहाँ उनके जीतने के चांसेस 80 से 85% थे, स्टिल हारे, 90 से ऊपर थे एक्चुअली। और एक यहाँ से ये हार गए USA की टीम से, ठीक है, वहाँ सुपर ओवर में। तो मुश्किलें तो बढ़ गई हैं अभी पाकिस्तान के लिए। और अगर ये वाला मैच नहीं जीतते हैं, ये वाला भी हार जाते हैं, अपसेट एक और देखने को मिलता है, तो फिर टिकट कटेगा सीधा लाहौर का यहाँ से, ठीक है। अब बाकी क्या रहती है आज के लिए प्लेयर प्रेडिक्शंस और क्या टीम बनकर आती है, सारी चीज़ें बात करने वाले, डिस्कस करने वाले। तो वीडियो को आखिर तक देखना, और साथ ही साथ वीडियो पसंद है लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो फटाक से वो भी कर लो। और एक और चीज़ ठीक है, कि आपके लिए एक ज़बरदस्त ऑफर भी है इस वीडियो में। बताने वाला हूँ आगे कि कैसे आप जो है सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये में आप मेगा ग्रैंड लीग ज्वाइन कर सकते हो। 50-60 रुपये एंट्री फीस देते हो, अब 1 रुपये में ज्वाइन कर सकते हो। अब कैसे कर सकते हो वो मैं आगे डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहना। और बाकी चलते हैं ज़रा मैच के ऊपर। बट अभी के लिए पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इस मैच की, कहाँ होने वाला है? न्यूयॉर्क में रहेगा, जहाँ पर भाई अभी तक स्कोर बन ही नहीं रहा है। मतलब हम हर मैच में सोचते हैं कि अब जाकर न्यूयॉर्क में अच्छा स्कोर बनेगा, बट फिर यहाँ से टीम आती है किसी के भी अगेंस्ट में, किसी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट में, टीम जो है वो 112, 113, 115 के स्कोर पर निपट जाती है। इंडिया से उम्मीदें लगाई थी, वो भी 119 पर ऑल आउट हो गए थे कहीं ना कहीं। हालांकि जीत गए, वो अच्छी चीज़ है, डिफेंड हो गया। बट उसके अगले दिन आप एक और चीज़ देखोगे, जो कल साउथ अफ्रीका बांग्लादेश का मैच हुआ, 113 रन ही बना पाई यहाँ से साउथ अफ्रीका की टीम, और उन्होंने विकेट भी 6 ही गंवाए थे। तो ऐसा नहीं कि उनके विकेट जल्दी गिर गए थे, और बांग्लादेश को उन्होंने 109 रनों पर रोक दिया। रन बॉल चाहिए थे, स्टिल बांग्लादेश यहाँ से चेज़ नहीं कर पाई। पाकिस्तान को रन बॉल चाहिए थे, स्टिल वो चेज़ नहीं कर पाए। तो ये पिच ना बॉलर्स के लिए, मैं बोलूँगा अभी के लिए कहीं ना कहीं वो पैराडाइज साबित हो रही है बॉलर्स के लिए। बहुत ज़्यादा ही मदद जो है इस पिच में है, जहाँ पर फिर मैं बोलूँगा कि भाई हिट करना इजी नहीं है। तो लो स्कोरिंग मैचेस हमें देखने को मिल रहे हैं। इवन यहाँ पर जो सबसे एक हाई स्कोर अब तक बना है ना, वो कनाडा ने ही बनाए, 137 जो है वो कनाडा ने भाई बनाए थे, और उन्होंने वो डिफेंड कर लिया था। बाकी तो भाई कोई टीम अभी तक ऐसा है कि 120 के आसपास भी नहीं पहुंच पाई, सॉरी 120 एक पीछे रह गए थे, वरना 120 भी नहीं बन पाए। विकेट्स की बात करें, पेसर्स को ऑब्वियसली भाई ज़्यादा विकेट मिलते हैं, 27 विकेट पहली इनिंग में, 19 विकेट सेकंड इनिंग में। स्पिनर्स की हम बात करें तो पहली इनिंग में 2, सेकंड इनिंग में यहाँ से 6 विकेट्स है पिछले 4 मैचेस में। उसके बाद में आते हैं ज़रा आगे निकल कर यहाँ से पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन। तो भाई ऐसा है कि चेंज जो करना था वो इन्होंने पिछले मैच में कर दिया, और पाकिस्तान कहीं ना कहीं वो खुद की गलती से हारे हैं। तो मेरे को लगता नहीं कि चेंजेस वगैरह इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अगर चेंज करेंगे तो लाएंगे, किसको? सैम अयूब उस्मान खान की जगह पर आई डोंट थिंक एक अच्छा ऑप्शन बनता है, क्योंकि उससे तो फिर क्या है ना, इनकी ओपनिंग हिल जाएगी यहाँ से। फिर ओपनिंग करने के लिए सैम अयूब को बुलाया जाएगा, और रिजवान या बाबर आजम में से कोई ना कोई एक सेकेंड नंबर पर आएगा, सॉरी 3 नंबर पर खेलने आएगा। और उसके अलावा आजम खान को तो पहले ही देख चुके हैं, 0-0 विकेट। अबरार अहमद एक ऑप्शन हो सकता है, जिसको शायद ये शादाब खान की जगह पर इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर अब्बास अफरीदी हो सकता है, जिसको ये किसी ना किसी एक पेसर की जगह पर इंक्लूड कर सकते हैं। बट अभी बात यह है ना कि भाई तीनों पेसर्स, हरीश रॉफ ने पिछले मैच में 3 विकेट, नसीम शाह ने 3 निकाल लिए, मोहम्मद आमिर ने भी यहाँ से 2 विकेट निकाले, तो अब्बास अफरीदी को लाने के लिए भी जगह नहीं बन पाती है। तो अगर चेंज करे तो करेगी इसको पाकिस्तान की टीम, तो आई डोंट थिंक कि भाई कोई चेंज होगा। बस एक शादाब खान वाला ज़रूर हो सकता है, बाकी आपको यहाँ से सेम प्लेइंग इलेवन देखने को मिल सकती है। उसके अलावा बाबर आजम है, ज्यादा अच्छी फॉर्म में तो नहीं, बट 13 बनाए थे। अब देखो, चाहे भाई पाकिस्तान USA से हारी हो, चाहे इंडिया से हारी हो, बट स्टिल जो हम टीम बनाएंगे तो कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान के फेवर में ही बनानी चाहिए, ज्यादा सेफ ऑप्शन वही बनता है। क्योंकि भाई ऐसा है कि अपसेट होता है तो हो सकता है, बट अपसेट होने के कोई 100% चांस नहीं है, जबकि पाकिस्तान के जीतने कनाडा के अगेंस्ट में चांसेस ज़्यादा है, और कनाडा जीते इसके थोड़े से कम रहने वाले। तो भाई टीम तो ऑब्वियसली हम पाकिस्तान के फेवर में ही बनाएंगे, तो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान जैसे सेफ प्लेयर्स लेना फिर यहाँ से इम्पोर्ट बन जाता है। और सामने वाली टीम के नए बॉलर्स के बारे में बात करें, कितने खतरनाक है। बट अभी के लिए बाबर आजम 13 बनाए थे इन्होंने, उससे पहले 44, मोहम्मद रिजवान पिछले मैच में 31 बनाए भाई ने 44 बॉल में, 70 का स्ट्राइक रेट, उससे पहले 9 देखने को मिले थे। बाकी स्मॉल लीग तो ऐसा है कि दोनों को लेना जरूरी है। उस्मान खान, अब जो कि भाई यहां पर हिटिंग उतनी चल नहीं रही है, तो उस्मान खान के ऊपर मैं उतना भरोसा करूंगा नहीं, क्योंकि बंदा टिक कर नहीं खेल सकता है, इसको छक्के ही मारने हैं अगर स्कोर करना है तो। और वो वाली चीज अभी तो न्यूयॉर्क के जो पिचेस है उन पर हो नहीं रही है। बाकी उसके बाद में फखर जमान है, ये थोड़ा अभी के लिए फियरलेस अप्रोच रख रहा है, दोनों मैचेस में रखी, आते ही रन भी मारे, बट वो ज्यादा दूर तक जा नहीं पाए। 11 और 13 इनका पिछले 2 मैचेस में स्कोर रहा। बाकी आज के लिए मैं मानता हूं एक डिसेंट ऑप्शन है फखर जमान, अगर पिक करना है तो। बाकी उसके बाद में इफ्तिकार
इफ्तिकार अहमद है, पढ़ाई नीचे भेज रहे हैं इफ्तिकार अहमद को, और भी इनसे सिर्फ एक एक ही कराया, तो स्मॉलिक के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्ट यहाँ से नहीं है और ना ही शादाब खान है। देखो पिछले मैच में मना भी किया था शादाब को लेने का, तो और बॉलिंग शादाब खान से जो कराई नहीं गई, इमाद वसीम, शाहीन नसीम, हरीश और मोहम्मद आमिर, पाँच बॉलर से बॉलिंग करा दी गई, एक छठा यहाँ से इफ्तिकार यूज़ कर लिया। शादाब खान को बॉलिंग के लिए ही नहीं लाया गया कि भाई रन पड़े, बट मे बी इस मैच में करा सकता है क्योंकि इंडिया नहीं है, सामने कनाडा की टीम रहने वाली है। बट बहुत ज़्यादा मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ शादाब खान से। ग्रैंड लीग में बेशक सीवीसी कर सकते हो, क्योंकि बहुत लोग इग्नोर करने वाले हैं शादाब को उसकी फॉर्म की वजह से, ग्रैंड लीग में कर लेना, बट स्मॉल लीग के लिए आई डोंट थिंक उतनी अच्छी चॉइस बनता है। इमाद वसीम हम यहाँ से रख सकते हैं, 15 रन 0 विकेट इमाद वसीम के नाम पिछले में, उससे पहले 22-2 1-1 विकेट यहाँ से निकाला हुआ है। देन शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिश रऊफ, मोहम्मद आमिर, आई थिंक एटलीस्ट अगर पहले बॉलिंग हो पाकिस्तान की, अगर सेकेंड हो तो भी, बट अगर पहले बॉलिंग हो ना तो एटलीस्ट भाई 4 में से आपको 3 तो यहाँ से पेसर्स रखने चाहिए, जिसमें आई थिंक कि हारिश रऊफ, नसीम शाह एंड शाहीन अफरीदी के मेरे को थोड़े से ज़्यादा चांसेस लगते हैं परफॉर्म करने के। मोहम्मद आमिर ले सकते हो अगर लेना है तो यहाँ से शाहीन अफरीदी की जगह पर, ठीक है वो आपके पास में एक ऑप्शन है, और अगर चारों मैनेज कर पाओ तो भाई चारों आप रख सकते हो, बट उस केस में क्या है ना, आपको इमाद वसीम को जहाँ तक है ड्रॉप करना पड़ेगा। अब अगर नेक्स्ट यहाँ से बात करें इनके बेंच की, तो भाई अबरार अहमद इनके पास में, इनके से अगर खेले तो देखो अब्बास अफरीदी और अबरार अहमद, ये दोनों ऐसे खिलाड़ी है अगर इनके इस टीम में आते तो हाँ ट्राई कर सकते हो, स्पेशली अब्बास अफरीदी को, जो वेरिएशंस है और जो इनका फॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है इनके बाकी दूसरे किसी भी बॉलर से। तो ये है, बाकी आज़म खान और सैम अयूब के तो भाई देखो ऐसा है कि चांस कम ही रहने वाले हैं, और सैम अयूब भी वही है, वो शुरू में आते ही मारने का ट्राई करेगा, जो यहाँ पर चीज़ उतनी पॉसिबल लग नहीं रही है। ठीक है, तो ये हो जाती है फिलहाल के लिए। अब देखो इनके ओवर्स की बात करें, आपने कहा भाई ओवर्स वाले टैली ऐड करो, तो हमने कर दी, बता दिया करो कुछ और चाहिए तो। ठीक है, देखो यहाँ शाहीन अफरीदी ने पिछले मैच में 4 ओवर डाले, पहला, तीसरा, पांचवा और 19वां नई बॉल के साथ में यहाँ से शाहीन अफरीदी ने बॉलिंग की थी, और नई बॉल के साथ में 1 ओवर तो करने आया था नसीम शाह, और बाकी 2 ओवर आपको करता हुआ दिखा था मोहम्मद आमिर, क्योंकि नई बॉल के साथ में ना शाहीन अफरीदी और मोहम्मद आमिर ही नई बॉल के साथ में डालते हैं, बट नसीम शाह को क्यों बुलाया गया था, रोहित शर्मा के लिए, ठीक है, स्पेशली रोहित शर्मा, विराट कोहली, स्पेशली मैं बोलूँगा रोहित शर्मा के लिए बुलाया गया था नसीम शाह को यहाँ से, तो इसीलिए सिर्फ 1 ही ओवर डलवाया गया, और उससे आगे फिर सीधा भाई 8वां, 14वां और यहाँ से 16वां ओवर इनको मिला था। ठीक है, तो नई बॉल के साथ तो उम्मीद करना कि शाहीन अफरीदी और मोहम्मद आमिर ही डालेंगे, हाँ उसमें 1 ओवर यहाँ से नसीम शाह का आ सकता है, चाहे वो दूसरा, तीसरा, पाँचवा, छठा कोई भी आ जाए। बाकी उसके अलावा मोहम्मद आमिर 15th और 17th डाला था, कहीं ना कहीं आपको डेथ में बॉलिंग करता हुआ दिख जाएगा। सेम क्वेश्चन शाहीन अफरीदी, 1 ओवर आपको डेथ में डालता हुआ दिख सकता है। नसीम साहब भी मान के चलो कि 1 ओवर डेथ में आएगा, और 1 या 2 ओवर से, ठीक है, 1 या 2 ओवर एक्चुअली आने 2 चाहिए थे, बट यहाँ से इफ्तिकार से 1 करा दिया, तो भाई इनके यहाँ से ओवर थोड़े कम पड़ गए, तो उस वजह से ना यहाँ से आप देखोगे कि 1 से 2 ओवर आ सकते हैं किसके, हारिश रऊफ के डेथ बॉलिंग में। इमाद वसीम आपको मिडल ओवर्स में बॉलिंग करता हुआ दिख जाएगा, पिछले में 9वां, 11वां और 13वां ओवर डाला था, साथ में इफ्तिकार भी था 7th ओवर डालने के लिए। तो ये हो जाती है भाई अभी के लिए जो सब चीज़ें, एंड सॉरी यहाँ पर 20 भी आएगा, 10, 12, 18, 20 ओवर, ठीक है। तो ये है फिलहाल के लिए भाई पिछले मैच के जो ओवर्स थे, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो देखो ऐसा है कि ले लेना, तुम आजकल बड़ी शिकायत करते हो कि स्क्रीनशॉट नहीं लेने दिया, तो ले लो प्लेइंग 11 का ले लो, ठीक है मैं इधर आ जाता हूँ, उसके बाद पे चलते हैं अपनी दूसरी टीम की प्लेइंग 11 के ऊपर। बट उससे पहले एक और चीज़ है, वो और बता दूँ कि आप कैसे जो है मेगा ग्रैंड लीग ज्वाइन कर सकते हो 2 टीम के साथ में, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये में, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है माई 11 सर्कल का, इस मैच में जाना है, रजिस्टर करना है आपको माई 11 सर्कल पर, और रजिस्टर करने के 1 घंटे के अंदर अंदर आपको जो है यहाँ से भाई मेगा ग्रैंड लीग ज्वाइन करनी है, और जैसे आप मेगा ग्रैंड लीग ज्वाइन करते हो आपकी एंट्री फीस जो मिलेगी आपको 1 घंटे के लिए मिलेगी 1 रुपये, उसके बाद में अगर आप ज्वाइन करोगे तो फिर वो बढ़ जाएगी, तो ध्यान रखना है इस बात का। और साथ ही साथ यहाँ पर जो मैं ग्रैंड लीग का प्राइस है ना, वो भी मैं बोलूँगा 1 करोड़ रुपये हर दिन हर मैच में यहाँ से जो है वो रहने वाला है, और साथ ही साथ 20% आप एक्स्ट्रा कैश का फ़ायदा उठा सकते हो, जिसका कोड मैंने ना डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो कोड ज़रूर यूज़ करना, आपके पहले डिपॉजिट पर आपको 20% एक्स्ट्रा कैश जो है वो मिलने वाला है। मतलब समझो आप 200 रुपये पहली बार डिपॉजिट करते हो, 240 आपके अकाउंट में आएंगे, आप 500 करते हो 600 आएंगे, 1000 करते हो 1200 आएंगे, तो हुई ना फायदे वाली बात, तो 20% एक्स्ट्रा बढ़कर, और साथ ही साथ 1500 रुपये कैश बोनस भी है, तो बिल्कुल मिस नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी आगे डाउनलोड कर लो। बाकी देखो बात करें अगर हम कनाडा के प्लेइंग 11 की, एरन जॉनसन है 1 मैच में 23, 1 मैच में रन बनाए इन्होंने 10, डिसेंट ऑप्शन बनते हैं अपने पास में पिक करने के लिए। नवनीत धालीवाल पहले मैच में बनाए 61, उसके बाद में रन आए थे इनकी तरफ से 6, और नवनीत धालीवाल का कुछ ऐसा ही है कि भाई कंसिस्टेंट नहीं रहता है, बीच बीच में 1-2 पारियाँ इनकी तरफ से अच्छी आ जाती है,
उसके बाद में देखने को मिलते हैं यहाँ से परगत सिंह, पिछले मैच में 18 बोलिंग नहीं कराई, उससे पहले 5 रन 0 विकेट थे। वार्म अप की बात की जाए तो भाई 13 रन 1 विकेट, और जैसा मैं बोल रहा था कि ये पहले ना बॉलिंग इन्होंने कराई नहीं हुई है, बट वार्म अप में और एक मैच में करा दी, तो बहुत ज़्यादा यकीन मत करना, हो सकता है अगले मैच में ना कराए इनसे बॉलिंग, एंड वही हुआ। बाकी उसके बाद में दिलप्रीत बाजवा है, ज़्यादा रन तो इन्होंने बनाए नहीं है। हाँ, वर्ल्ड कप से पहले कुछ पारियाँ इनकी तरफ से बढ़िया देखने को मिली थी, बट अभी वर्ल्ड कप में तो ना तो वार्म अप मैच में चले थे, 3 बनाए थे, और उसके अलावा भी जो 2 मैचेज हुए उसमें 7 और 11 का इनका स्कोर रहा है। नेक्स्ट यहाँ से निकोलस कितन, ये खिलाड़ी बहुत बढ़िया चला है, वार्म अप में 51, उसके बाद में 51, देन यहाँ से 49 जो है वो पिछले मैच में देखने को मिले थे। कहीं ना कहीं बैटिंग सेक्शन से ये इंपॉर्टेंट बनते हैं, और ऊपर वालों के ऊपर हम ज्यादा भरोसा कर नहीं सकते। एरन जॉनसन एक यहां से बनते हैं जिनके ऊपर हाँ थोड़ा भरोसा आप दिखा सकते हो कि भाई 20-30 रन एरन जॉनसन यहां से बना सकता है। उसके बाद में श्रेयस महुआ, ये बढ़िया है, लास्ट मैच आपको याद होगा इसलिए नहीं रखा था क्योंकि बैटिंग ऑर्डर नीचे था, बट अभी अगेंस्ट पाकिस्तान मैच है तो कहीं ना कहीं श्रेयस महुआ को हम जा सकते हैं साथ में लेके। 32 और 37 पिछले 2 मैचेस में इनका स्कोर रहा है, इवन अगर हम उससे पहले देखेंगे तो भी आपको भाई कहीं ना कहीं ऐसे स्कोर्स इनकी तरफ से देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ से डेलन हेलाइगर है, पिछले 2 मैचेस में कुल मिलाकर है इनके नाम 3 विकेट, वार्म अप में 4 निकाले थे, उससे पहले अगर बात करें तो विकेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इस साल कैनेडा की तरफ से हाइस्ट विकेट टेकर भी हेलाइगर ही है। नेक्स्ट यहाँ से साद बिन जफर, ज़्यादा का अच्छा रहा नहीं है, वार्म अप अच्छा था, उससे पहले वाले मैचेस भी आपको बढ़िया देखने को मिलते हैं, बट चूंकि इस पिच पर उतने ज्यादा स्पिनर्स को विकेट मिलते नहीं है, साद बिन जफर भी विकेटलेस ही गए हैं, पिछले में 1 विकेट, उससे पहले 0 विकेट है। देन यहां से जुनैद सिद्दीकी लेग ब्रेक बॉलर, पिछले मैच इनको भी ऐड किया गया, 1 विकेट इन्होंने निकाला, उससे पहले वार्म अप में 0 है। अगर उससे पहले बात करें तो आपको बड़े कंसिस्टेंट देखने को मिलते हैं, दो दो एक एक विकेट के साथ में, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा वही है कि लेग ब्रेक बॉलर है, स्पिनर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें मैं नहीं कर रहा हूँ। पेसर्स ज़्यादा बेहतर है, जिसमें कलीम सना हो गए, प्रीवियस अगर हम फॉर्म देखें तो बेहतर है, इस बार जो 2 मैचेस खेले उसमें इनका नाम 1 ही विकेट है, नई बॉल के साथ में बॉलिंग करते हैं। और उसके बाद में यहाँ से जेरेमी गोर्डन बॉलर बढ़िया है भाई, पिछले मैच में 2 विकेट निकाले, उससे पहले अगर हम रिसेंट की बात करें तो भी अच्छा है, पहला मैच जो खेला था वर्ल्ड कप का वो इनका ज्यादा बढ़िया नहीं रहा था और विकेट लेस गए थे। तो ये है कनाडा की तरफ से ओवरऑल प्लेइंग 11, जिसमें देखो पिक करने के लिए अगर ऑप्शंस की बात करें ना, कौन कौन से बनते हैं, जेरेमी गोर्डन, कलीम सना, उसके बाद में नेक्स्ट यहां से डेलन हेलाइगर है, श्रेयस महुआ, निकोलस कीटन एंड देन एरन जॉनसन, ये कुछ 4-5 ऑप्शन है जिसमें से आप प्लेयर ले सकते हो। बाकी नवनीत धालीवाल, बरकत सिंह, दिलप्रीत बाजवा, आपको उन्होंने बताया उतने कंसिस्टेंट नहीं है, नवनीत धालीवाल वो वन टाइम वंडर टाइप है, 61 उन्होंने जब बनाए, साद बिन जफर उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे, जुनैद सिद्दीकी वही ये स्पिनर को उतने ज्यादा विकेट नहीं मिल रहे हैं, तो ज्यादा स्पिनर लेने का फायदा नहीं है। और उसके बाद में यहां से कलीम सना हो जाते हैं, हाँ ये एक ऑप्शन है आपके पास में, जहां कलीम सना अगर पिक करना चाहो तो कर सकते हो, हालांकि ठीक ठाक से फॉर्म अभी के लिए रही है, 2 मैच में 1 विकेट है, पिछले में विकेटलेस थे। तो ये है कनाडा की तरफ से भाई जो प्लेइंग 11 देखने को मिलती है। अब उसी के बाद में अगर हम इनके बेंच की बात करें, निखिल दत्ता को पिछले मैच में बाहर बैठाया गया, हालांकि 1 विकेट इन्होंने निकाला था, उसके बाद में रविंद्र पाल सिंह की बात करें तो मौका इनको मिला नहीं है, वार्म अप मैच में हालांकि रन इन्होंने भी 41 बनाए थे, मे बी आज के मैच में ट्राई दे सकते हैं इनको, तो जेल वगैरह में ले लेना। बाकी उसके बाद में यहाँ से रेहान पठान है और ऋषि जोशी यहाँ से देखने को मिल जाते हैं, ज़्यादा अच्छी फॉर्म में तो दोनों ही खिलाड़ी नहीं रहे हैं। तो ये है फिलहाल के लिए देखो बेंच प्लेयर जो कैनेडा की तरफ से है। ओवर्स की अगर बात की जाए तो भाई देखो ऐसा है कि नई बॉल के साथ में ना आपको बॉलिंग करते हुए दिख जाते हैं जेरेमी गोर्डन और साथ में यहाँ से कलीम सना, ठीक है, ये 2 बॉलर्स है जो नई बॉल के साथ में डालते हैं, एंड यही 2 बॉलर्स है जो आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए भी दिखने वाले हैं, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। और साथ में डेलन हेलाइगर है जो मिड ओवर्स डालता है और साथ में एक ना एक ओवर कहीं ना कहीं डेथ में भी डालने आ जाता है, बाकी उसके अलावा मिड ओवर जो है वो जुनैद सिद्दीकी और साद बिन जफर ऑब्वियसली स्पिनर्स हैं, तो वहीं 7 से 15 के बीच में आपको इनके ओवर्स देखने को मिलते हैं। अब आते हैं जरा नेक्स्ट निकल कर वही वेन्यू, तो कैनेडा ने इस ग्राउंड पर 1 मैच खेला जो उन्होंने जीता है, पाकिस्तान ने 1 मैच खेला जो वो रहे हैं। हेडक्वार्टर की अगर बात करूं तो दोनों टीम्स के बीच में 2008 में 1 मैच हुआ था जो कि पाकिस्तान ने जीत लिया था, ठीक है, अब 2008 का हेडक्वार्टर बताकर तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि उस टाइम के सारे प्लेयर्स और इस टाइम के सारे प्लेयर्स एकदम अलग है। नहीं, अब आ जाते हैं जरा रिसेंट वेन्यू, मैं आपको बता देता हूँ इस वेन्यू पर कैसा रहा है, ऑब्वियसली वैसे आपको पता होगा बट स्टिल थोड़ा एक रिमाइंड करा देता हूँ कि कैसा परफॉर्मेंस इनका इन दोनों टीम्स का जो जो इन्होंने एक एक मैच खेला है उसमें क्या रहा था, ज़्यादा सीरियसली नहीं, हालांकि 9 जून को मैच हुआ था, रिजवान 31, 3 रऊफ 3 नसीम सा, 2 आमिर और 1 शाहीन अफरीदी निकाला था पाकिस्तान की तरफ से, तो इस मैच का तो हालांकि आपको सारा ही याद होगा। कनाडा वाला का देखो, कनाडा ने 137 बनाए थे, आयरलैंड को 125 पर रोक दिया था, निकोलस कीर्तन के 49, मौका के 37 थे, 2 विकेट जोर्डन, 2 विकेट हेलाइगर, 1 सिद्दीकी और 1 यहाँ से साद बिन जफर करा था, ठीक है। तो ये है भाई रिसेंट मैच जो इस वेन्यू पर है। बाकी आ जाते सीधा अपनी अब टीम के ऊपर,
टीम क्या निकल कर आती है। टीम की बात करें तो टीम में उन्होंने रखा है सुरेश मोवा, उसके बाद में यहाँ से मोहम्मद रिजवान को, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो निकोलस कीर्तन, बाबर आजम है, हेलाइकर एंड शताब खान है, उसके बाद में शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारी श्रॉफ, मोहम्मद आमिर एंड देन जैरमी गोर्डन। तो ये हो जाते हैं भाई टीम। अब देखो चूंकि ऐसा है कि कोई भी बैट्समैन बड़ा स्कोर नहीं कर रहा है यहाँ से, तो इसी वजह से मैंने क्या किया है, मैंने ना क्या बाबर आजम या रिजवान को कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं, बॉलर्स ऐसे हैं जो दो तीन विकेट निकाल रहे हैं, तो फिर शाहीन अफरीदी और नसीम शाह को एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन किया। चाहो तो आप यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टन आमिर, हारी श्रॉफ, नसीम और शाहीन अफरीदी में से रोटेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाती है, और शादाब खान की जगह पर इमाद वसीम को पिक कर सकते हो, ठीक है। फाइनल टीम मैं भी यही करूँगा मे भी। तो ये हो जाती है फिलहाल के लिए टीम एंड सब चीज़ें। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हुआ है फटाफट से वो भी कर लो, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वो भी ज़रूर ज्वाइन कर देना, क्योंकि काफ़ी सारी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह वहाँ पर भी आती है। एंड मेक श्योर डिस्क्रिप्शन में माइलन सर्कल का लिंक है, वो भी आप डाउनलोड कर लो, 1 रुपये में 2 मेगा ग्रैंड लीग आप जो है भाई वो ज्वाइन कर सकते हो, तो फ़ायदा उठा लेना। बस ध्यान रखना रजिस्टर करने के 1 घंटे के अंदर अंदर आपको ज्वाइन करना है। बाकी ऑल द बेस्ट इस मैच के लिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही ज़्यादा जल्द।